हेलो, स्वागत है सभी का संदीप सर जी के में। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको सारी क्लास मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज है 5 फरवरी और मैं लेकर आई हूँ आज का करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं 5 फरवरी का करंट अफेयर्स। तो पहले हम करेंगे पिछले सेशंस के क्वेश्चंस। तो मैंने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क का नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क और ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। तो ये सारे जो है वो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। ठीक है, तो बहुत ही कम बच्चों ने आंसर दिया है, धीरे धीरे आपके आंसर कम आते जा रहे हैं। आप इसका असर अपने एग्जाम के पेपर में देखेंगे, शायद आपको तकलीफ हो याद रखने में। तो प्लीज आंसर लिखिए, आप एग्जाम में जरूर याद कर पाएंगे। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा था कि बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड का वर्स्ट ट्रैफिक सिटी है। ठीक है, वर्ल्ड का वर्स्ट ट्रैफिक सिटी पूछा था, तो उसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, फिर मैंने आपसे सर्बिया की कैपिटल पूछी थी, तो सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। ठीक है, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो सबसे पहले है BAFTA अवार्ड्स। तो BAFTA 2020 के अवार्ड्स के विजेता कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो BAFTA अवार्ड्स का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ये उसका फुल फॉर्म है। दूसरा, ये कहाँ पर आयोजित किया? तो ये लंदन में दिया जाता है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे मिला? 1917 को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसे मिला? सैम मेंडेस को। कौन से फिल्म के लिए? 1917 के लिए। अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे मिला? जॉकिन फिनिक्स को। कौन सी फिल्म के लिए? जोकर के लिए। आपको पता है जॉकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मिला रेनी जेलवेगर को। ठीक है, रीनी जेलवेगर, और कौन सी मूवी के लिए? जूडी गार्लैंड के लिए। ठीक है, तो ये BAFTA अवार्ड्स के बारे में अगर कोई भी सवाल आता है आप आंसर कर पाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस है कि वर्ल्ड कैंसर डे इज बीइंग ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण के लिए संघ द्वारा डैश पर हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, आपको याद है विश्व कैंसर दिवस। और 2020 का थीम क्या था? 2020 का थीम था आई एम एंड आई विल। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस ए स्टेट डिजास्टर आफ्टर 3 कंफर्म्ड केसेस। किस भारतीय राज्य ने 3 पुष्ट मामलों के बाद कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित की है? तो कोरोना वायरस के 3 केस देखने को मिले हैं कौन से राज्य में? ये मिले हैं केरला में। ठीक है, तो केरला ने इसको राज्य आपदा घोषित की है। नेक्स्ट, हु विल बी कन्फर्ड एमपी गवर्नमेंट किशोर कुमार सम्मान फॉर ईयर 2018? वर्ष 2000 के लिए एमपी सरकार के किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो एमपी गवर्नमेंट है जो किशोर कुमार सम्मान अवार्ड देती है, तो इस बार किसको मिला मिलने वाला है? मिलने वाला है वहीदा रहमान जी को। ठीक है, वहीदा रहमान वो एक फिल्म अभिनेत्री है, और इसको उनको इस बार किशोर कुमार सम्मान मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट्स विल नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आइकॉनिक साइट अंडर द गवर्नमेंट प्रपोजल इन यूनियन बजट 2020? निम्न में से कौन सी साइटें केंद्रीय बजट 2020 में सरकार के प्रस्ताव के तहत एक प्रतिष्ठित साइट में तब्दील नहीं होंगी? तो यूनियन बजट 2020 में गवर्नमेंट ने 5 साइट जो है उसको आइकॉनिक साइट बनाने का निर्णय किया है। तो उसमें से जो पानीपत है वो आइकॉनिक साइट नहीं है। ठीक है, वो एक प्रतिष्ठित साइट नहीं है। तो 5 कौन कौन सी है? तो एक है राखीगढ़ी, कहाँ की? हरियाणा की। दूसरी है हस्तिनापुर, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तीसरी है शिवसागर, असम की। चौथी है धोलावीरा, गुजरात की। और पांचवी है आदिचनलूर, तमिलनाडु की। ठीक है,
राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा एंड आदिचंदूर। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली व्हाट इज द नेम इकोनॉमिक्स ऑफ फूड प्लेट इन इंडिया। हाल ही में भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र का नाम क्या बताया गया है? तो भोजन की थाली को भी एक अर्थशास्त्र का नाम दिया गया है, तो इसका नाम है थालीनॉमिक्स। ठीक है, थालीनॉमिक्स। इसमें भोजन की थाली के जो प्राइस होती है वो एवरी ईयर कितनी बढ़ती है घटती है इसका स्टडी किया जाता है, तो इसको थालीनॉमिक्स नाम दिया गया है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम वेज प्लेट वॉज 29% एंड नॉन वेज प्लेट वॉज 18% मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, तो इस बार जो वेज थाली है वो 29% और जो नॉन वेज थाली है वो 18% किफायती हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। हु अमोंग द फॉलोइंग विल बिकम द न्यू सीईओ ऑफ आईबीएम फ्रॉम 6 अप्रैल 2020। निम्न में से 6 अप्रैल 2020 से आईबीएम के नए सीईओ कौन बनेंगे? ठीक है, तो आईबीएम के नए सीईओ बन रहे हैं अरविंद कृष्णा। ठीक है, अरविंद कृष्णा। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ये फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अरविंद कृष्णा सीईओ बनने वाले हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द इंडियन हाई कमिश्नर टू कैनेडा। हाल ही में किसे कैनेडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? कहाँ का हाई कमिश्नर टू कैनेडा? ठीक है, इंडियन हाई कमिश्नर, तो इसका आंसर हो जाएगा अजय बिसरिया। कौन? अजय बिसरिया। कहाँ के? कनाडा के। इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा। नेक्स्ट। रिसेंटली विच कंट्रीज वुमेन मिशेल ओबामा हैज बीन अवार्डेड द ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट स्पोकन वर्ड वर्ड एल्बम। हाल ही में बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए किस देश की महिला मिशेल ओबामा को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी है बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम। किसे? मिशेल ओबामा को। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैमी अवार्ड। तो वो कहाँ की है? वो है अमेरिका की। ठीक है, वो अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ है। ठीक है, और उन्हें किस बुक के लिए मिला है? उन्हें बिकमिंग, उन्होंने उनकी बुक है बिकमिंग, एग्जाम में बार बार पूछी गई है, उस बुक के लिए मिला है। अच्छा, मैंने कल 2019 की इम्पोर्टेंट किताबें, इम्पोर्टेंट बुक्स का एक वीडियो किया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वो पार्ट 1 था, उसका दूसरा वीडियो यानी कि पार्ट 2 आज आपको मिल जाएगा। बाकी की बुक्स भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली इन विच स्टेट वर्चुअल पुलिस स्टेशन हैज बीन स्टार्टेड। हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत किस राज्य में हुई? ठीक है, तो ये शुरुआत हुई ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। अच्छा, ओडिशा के सीएम और ओडिशा के गवर्नर का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। नेक्स्ट। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड आईबॉक्स फैसिलिटी। हाल ही में किस बैंक के द्वारा आईबॉक्स सुविधा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। किसके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, आईबॉक्स फैसिलिटी का नाम पूछे तो आएगी आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, उसमें कस्टमर्स को 365 days 24 hours बैंकिंग फैसिलिटीज मिलेगी। किसके लिए? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक्स, उन सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। विच इंडियन क्रिकेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय शुभम गिल रिसेंटली। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की जगह खिलाड़ी शुभमन गिल लेंगे? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा की जगह है वो शुभमन गिल लेने वाले हैं। रोहित शर्मा हैज बीन रूल्ड आउट फॉर ओडीआई एंड टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। रोहित शर्मा को ओडीआई और टेस्ट सीरीज अगेंस्ट जो न्यूजीलैंड है उसमें से निकाल दिया गया है और उसकी जगह ले रहे हैं शुभमन गिल। रिसेंटली विच कंट्रीज इकोनॉमी हैज बीन सॉट टू बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द माइजरी इंडेक्स। हाल ही में किस देश की अर्थव्यवस्था को मिजरी इंडेक्स अथवा माइजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। क्या? भारत। तो
भारत की अर्थव्यवस्था को नापने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज किया है? तो ये किया है माइजरी इंडेक्स, मिजरी इंडेक्स बोल सकते हैं, माइजरी इंडेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और इस माइजरी इंडेक्स में चार पैरामीटर ऐड किए गए हैं, ठीक है। वो चार पैरामीटर कौन से हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, ठीक है। हिंदी में बताओ तो बेरोजगारी, बेरोजगारी दर, महंगाई दर, ब्याज दर और जीडीपी, ये चार जो है उसके मुताबिक ये इंडेक्स बनेगा और उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी मेजर की जाएगी। नेक्स्ट, रिसेंटली मिस्टर विनय मोहन क्वाटा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसिडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? हाल ही में श्री विनय मोहन क्वाटा किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। नेपाल, नाम क्या है? मिस्टर विजय मोहन क्वात्रा, और कहाँ के? नेपाल के नेक्स्ट एम्बेसिडर है। नेक्स्ट, रिसेंटली हाउ ओल्ड हैज पंजाबी लैंग्वेज राइटर जसवंत सिंह कनवाल डाइड? हाल ही में पंजाबी भाषा के लेखक जसवंत सिंह कनवाल का निधन किस वर्ष के आयु में हो गया? तो इसका आंसर है 111, 101 साल, ठीक है। 101 साल के थे वो, कौन थे? पंजाबी लैंग्वेज राइटर थे। नेक्स्ट, बाय विच ईयर रिसेंटली 100 न्यू एयरपोर्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड इन इंडिया? हाल ही में किस वर्ष तक भारत में 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है 2024। तो इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि 100 नए हवाई अड्डे भारत में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो कौन से साल तक? 2024 तक, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो अलग अलग प्रकार की क्रांति होती है, अलग अलग प्रकार के रिवॉल्यूशन होते हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, काली क्रांति, तो जितने भी अलग अलग रंग की क्रांति है, तो वो सारी क्रांति किसके किसके लिए? जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, हरित क्रांति जो है, वो एग्रीकल्चर के लिए है, एक तो मैंने बता दिया। तो बाकी की जो क्रांतियां हैं वो किसके किसके लिए है? काली क्रांति, भूरी क्रांति, फिर लाल क्रांति, उन सब के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे आज बता दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत से बना रही हूँ, दिल से बना रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि एग्जाम में रह जाए। तो प्लीज सेशन को खूब ज्यादा शेयर कीजिए, मैं वीडियो में बहुत सारे लाइक्स और व्यूज देखना चाहती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।